भादों के महीने में पड़ने वाली एकादशी तिथि को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार भाद्रपद महीने की पहली एकादशी 23 अगस्त को पड़ रही है। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। माना जाता है कि अजा एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा और व्रत रखने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलता है, साथ ही सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अजा एकादशी के दिन श्री हरि का नाम जपने से पिशाच योनि का भय नहीं रहता। यूं तो एकादशी तिथि को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन भाद्रपद की एकादशी का महत्व सर्वोत्तम है, जिसके पीछे का कारण ये है कि भादो माह में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, जिसमें श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप की पूजा होती है। वहीं एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके अलावा ये भाद्रपद माह भी श्री कृष्ण को समर्पित होता है। श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। यही कारण है कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसे में भादो माह की अजा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु और श्री कृष्ण दोनों का ही विशेष आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अजा एकादशी के दिन श्री हरि का नाम जपने से पिशाच योनि का भय नहीं रहता। इस दिन कुछ कामों को करने के लिए मना किया जाता है, साथ ही इस दिन के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहाँ दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। अजा एकादशी 2022 न करें ये काम। अजा एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी चोरी नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध और झूठ बोलने से बचना चाहिए। अजा एकादशी व्रत के दिन भूल कर भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। अजा एकादशी का व्रत रखने के दौरान रात को सोना नहीं चाहिए। इस दिन व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु की भक्ति, मंत्र, जाप और जागरण करना चाहिए। अजा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम के समय सोना नहीं चाहिए। अजा एकादशी 2022 महत्व। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो भक्त विधि विधान से इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अजा एकादशी की कथा को सुनने मात्र से भक्त जनों को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।